जांजगीर स्थित जिला वैक्सीन स्टोर सेंटर के कांच के दरवाजे में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। हालांकि इस तोड़फोड़ का उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच में जुट गई है। जांजगीर स्थित जिला वैक्सीन स्टोर सेंटर के कांच के दरवाजे में तोड़फोड़ की घटना सामने आया है। हालांकि इस तोड़फोड़ का उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच में जुट गई है। दरअसल कल रात संवेदनशील घोषित जिला वैक्सीन स्टोर सेंटर इलाके में दो बाइक में युवक प्रवेश करते हैं। इस दौरान करीब 5 युवक वहां नजर आ रहे हैं। इलाके में अंदर आने के बाद कुछ चर्चा करते हुए भी नजर आ रहा है। रात में अचानक दरवाजे के कांच टूटने की आवाज के बाद सुरक्षा में लगे जवान वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद युवक भाग निकलते हैं। भागते युवकों का पुलिस जवानों के द्वारा पीछा भी किया जाता है, मगर वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। घटना के संबंध में जांजगीर थाने में मामला दर्ज कर आरोपी युवकों की तलाश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है और संदेहियों से पूछताछ भी की जा रही है। जांजगीर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें बीती रात को कोविड सेंटर, जहां पर कोविड वैक्सीन को रखा गया है, वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थर मारकर जो दरवाजे का ग्लास था उसको तोड़ दिया गया और वहां से वो लोग भाग गए थे। और वहां पर जो तैनात गार्ड था उसमें से एक आरक्षक के द्वारा थाना कोतवाली में आकर लिखित शिकायत आवेदन दिया गया था और इसमें जांच की जा रही थी। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो लड़कों का फुटेज प्राप्त हुआ है, जो कि उस समय वहां पर उपस्थित थे, उन्हें थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। जांजगीर से आशीष कश्यप की रिपोर्ट, ACN 24।